हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टुक टुक टेकबॉट। ये हमारे जो थ्री व्हीलर चलाने वाले और रिपेयर करने वाले भाई हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है जहां पर वो गाड़ी को के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं और नई गाड़ी की जानकारी ले सकते हैं। अभी आपके सामने में डीजल गाड़ी जो BS6 डीजल गाड़ी है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि उसका फ्यूल सर्किट कैसे काम करता है। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए आप जानते हैं ऑक्सीजन और फ्यूल, यानी कि डीजल गाड़ी के लिए डीजल, CNG गाड़ी के लिए CNG की आवश्यकता पड़ती है। इस गाड़ी के अंदर आपको मैं बेसिकली डीजल की सप्लाई कैसे होती है, उसका रूटिंग कैसे होता है, क्योंकि यदि कोई समस्या आएगी किसी भी कस्टमर को या फिर किसी ड्राइवर को तो उसको फ्यूल सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एक फ्यूल टैंक है। इस फ्यूल टैंक के अंदर लगभग 10 लीटर करीब फ्यूल आता है, 9.5 से 10 लीटर। इसके पीछे एक फ्लोट है, ये देखिए, ये गाड़ी के अंदर फ्यूल की इंडिकेशन देने के लिए मीटर पे जो लाइट आती है, जो नीडल उठती है उसके लिए दिखाता है कि गाड़ी में डीजल का लेवल कितना है। यहाँ से लॉकेबल फ्यूल टैंक है, इसको हम फ्यूल डालते हैं। उसके बाद एक सक्शन पाइप के थ्रू जो कि यहाँ पे है, इसके थ्रू यहाँ पर भी एक फिल्टर लगा होता है इसके अंदर, कभी भी यदि कोई दिक्कत है उसको जरूर खोल के चेक करना। यहाँ से ये फ्यूल इस लाइन में होता हुआ और ये आपके सामने हमारे इस फिल्टर में जाता है। इस फिल्टर के से तेल को इस मोटर के द्वारा खींचा जाता है। नीचे इसके एक फिल्टर है, फ्यूल डीजल फिल्टर, जो कि पूरा कंप्लीट असेंबली के साथ निकलता है और फ्यूल खींचता है। जब ये मोटर यहाँ टैंक से फ्यूल खींचता है तो आगे फिर फिल्टर को क्लीन करके, फिल्टर से क्लीन करके डीजल को आगे भेजता है। पहला एक फिल्टर है इसके अंदर, सेकेंड एक मामूली सा फिल्टर है इसके अंदर जो कि डस्ट को रोकता है, सेकेंड ये हमारा मोटर, तीसरा हमारा ये फिल्टर। उसके बाद नीचे आप देखेंगे इसके अंदर आपको एक कपलर दिखाई देगा। ये कपलर वाटर इन फ्यूल है। यदि गाड़ी के टैंकी के अंदर या डीजल के अंदर पानी की मात्रा मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से आती है तो आपने इसको लूज़ करना है, कनेक्टर को तार हटाकर और इस कनेक्टर को यहाँ से इसको हटा लेना है। उसके बाद आप देखेंगे गाड़ी में से जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा, क्योंकि पानी भारी होता है, डीजल हल्का होता है, डीजल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। मैं और थोड़ा कोशिश करूँगा आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये फिल्टर, ये आपको सेंसर दिखाई दे रहा है, वाटर इन फ्यूल सेंसर, ये कि नीचे फ्यूल फिल्टर के नीचे लगा होता है। उसके बाद ये फ्यूल यहाँ से निकल के डीजल की लाइन, आप ये देख रहे हैं ये एक डीजल की लाइन जा रही है, ये डीजल की लाइन से ये फ्यूल आगे रूट होता हुआ आता है। अब हम गाड़ी के अंदर आते हैं, गाड़ी के अंदर आएंगे तो ये देखेंगे ये डीजल की लाइन जा रही है जो कि रूट होते हुए घूमते हुए आगे की तरफ निकलती है। ये लाइन यहाँ से ये लाइन होती हुई और ये लाइन होती हुई ये यहाँ पे हमारे नीचे ये वाली लाइन, ये यहाँ से ये लाइन आप देख रहे हैं और यहाँ से ये लाइन जो कि फिल्टर से आई है और ये लाइन होती हुई घूमती हुई और यहाँ से होती हुई इसकी रूटिंग होती हुई ये यहाँ पे इधर आ गई है। यहाँ से ये लाइन अगेन घूमकर यहाँ नीचे आ गई है, देखिए ये वही लाइन है जो तो हम गाड़ी के राइट हैंड साइड पर नीचे डीजल टैंक और फ्यूल फिल्टर असेंबली थी जिसके अंदर मोटर, वाटर इन फ्यूल सेंसर एंड फिल्टर था, वहाँ से तो रूट होते हुए ये यहाँ पे आई है और ये यहाँ से होते हुए हमारे सबसे पहले ये हमारे HP पंप, जिसे कि हाई प्रेशर पंप बोलते हैं, इस हाई प्रेशर पंप में ये जाता है डीजल। अब हाई प्रेशर पंप का काम क्या होता है कि हमारे आगे फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक को, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा, और वहाँ से फिर इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई करना, ये बहुत ही हाई प्रेशर पे काम करता है ये पंप, जो कि अंदर एक इंजन के अंदर एक कैमशाफ्ट लगी उससे चलता है। ये मैकेनिकल पार्ट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी इलेक्ट्रिक सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इंजन के जो RPM उस हिसाब से काम करेगा, फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगा और ये 4 बोल्टों के ऊपर माउंट किया हुआ है, 1, 2, 3 और 4 इसके पीछे है, ठीक है। अब ये फ्यूल जब यहाँ पर आता है उसके बाद ये फ्यूल इस आउटलेट से, इस आउटलेट पाइप से आप देख रहे हैं ये जाता है हमारे वो फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक में, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जिसे हम रेल सेंसर भी बोल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से, ये फ्यूल ये देखिए नीचे से ये जो फ्यूल लाइन थी ये फ्यूल लाइन से फ्यूल आया और उसके बाद ये हमारे फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक में ये आ गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है जिसके अंदर की ये
एक वायरिंग हार्नेस का कनेक्टर है जिसे हम रेल प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाना चाहूँगा ताकि इंजन का पूरा लुक समझ में आए। ये इंजन आपका बी6 डीजल का, और ये आपका फ्यूल इस फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक में आता है, और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉनिक एक ये एक्चुएटर है जो कि सिग्नल मिलने के हिसाब से या जो इसको सप्लाई मिलती है करंट के हिसाब से काम करता है, और वहाँ से ये फ्यूल होता हुआ हमारे ये आप देखेंगे तो इंजेक्टर के अंदर, ये देखिए इंजेक्टर, ये हमारा फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक, यहाँ पे फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक है, और यहाँ से ये होता हुआ घूम के ये इंजेक्टर, ये आप देख पा रहे होंगे इस इंजेक्टर के अंदर ये सप्लाई पूरी पूरी आ गई है, ये देखिए, जो कि एक वायर हार्नेस कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर पूरा उसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। इसके अंदर इंजेक्टर के ऊपर एक पाइप लगा होता है जो कि ये देख रहे हैं आप इसको, और ये वाइट कलर के कनेक्टर जुड़ा हुआ है, और ये ब्लैक कलर का पाइप यहाँ से ब्लैक कलर का जो ये पाइप है, ये पाइप ये इसको वापस रिटर्न तेल को कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट सर्किट है बी6 डीजल गाड़ी का। आप इस बात को जरूर समझेंगे कि गाड़ी के अंदर स्टार्ट करने के लिए हमारी बैटरी में पूरा करंट है सेल्फ घुमाने के लिए और सेंसर्स को और ECU के कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन गाड़ी के अंदर ये फ्यूल सप्लाई नहीं है तो गाड़ी में दिक्कत आएगा। तो ये सर्किट पता होने के बाद आप इजीली हर पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि फ्यूल डिलीवरी कहाँ तक आ रही है, फ्यूल सबसे पहले फ्यूल में टैंक है कि नहीं, जो पहले नीचे फिल्टर था वो चौक तो नहीं है, फिर सेकंड फिल्टर चौक तो नहीं है, फिर मोटर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यदि मोटर काम कर रही है तो क्या हमारा जो हाई प्रेशर पंप है जो नीचे, ये हमारा जो हाई प्रेशर पंप है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या ये काम कर रहा है क्या, ये क्या ये हमारा हाई प्रेशर पंप काम कर रहा है क्या, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पाइप जुड़ा देखिए, ये पहला पाइप मेरा हाथ लगा है यहाँ पे, ये काम कर रहा है क्या, और यहाँ से ये फ्यूल वापस ये आगे फ्यूल जा रहा है, ये रिटर्न का पाइप है और ये आगे सप्लाई का है, ये रिटर्न का ये सप्लाई का। तो ये एक बेसिक चीज़ है किसी भी टेक्नोलॉजी समझने के लिए, और आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ समझ में आई होगी कि फ्यूल सप्लाई को कैसे मॉनिटर करना है या कैसे चेक करना है और इसकी रूटीन क्या है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ्यूल सप्लाई यदि नहीं आने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे रेक्टिफाइड करना है। आपको यदि ये चीज़ें पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और पियाजो की गाड़ी यदि कोई भी कहीं पर भी लेना चाहता है तो उसके लिए आप उससे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, आपको जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है बताई जाएगी। पियाजो आज की डेट के अंदर 230cc CNG डीजल CNG पेट्रोल सॉरी एंड आपका 300cc में CNG एंड पेट्रोल, और डीजल के अंदर हमारा बी6 5 स्पीड गियरबॉक्स गाड़ी और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, उस इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ हमारे पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है जो जिसके अंदर हम हर तरह प्रोडक्ट रखते हैं। और इसके अलावा पियाजो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, पियाजो एक इटालियन कंपनी है जो कई देशों में अपने बहुत सारे ऑपरेशंस करती है, और हर तरह की बाइक जिसके अंदर 2-व्हीलर से लेके और 3-व्हीलर 4-व्हीलर और बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करती है। तो पियाजो एक रिलायबल ब्रांड है, एक बहुत बड़ा भरोसे का ब्रांड है, और हमारी कोशिश है कि हम किस तरीके से आपको एक और शिक्षित करने की तरफ एक कदम आगे उठा सकें। धन्यवाद आपका।